अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने लगे हैं चिकन मंचूरियन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए। 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने, इसको छोटे छोटे पीस करके रखी है। 8 टेबलस्पून में लिया है केचप, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सोया सॉस, 8 टेबलस्पून लिया है कॉर्न स्टार्च, 2 एग्स लिए हैं, 1 शिमला मिर्च में लिया है लाइक ग्रीन एंड येलो पेपर लिया है मैंने, इसको छोटे छोटे पीस करके रखी है। और मैंने ग्रीन अनियन लिए हैं 1/2 कप, गार्लिक जिंजर पेस्ट लिए है मैंने, तो इसको गार्लिक मैंने फ्रेश लेके इसको चॉप करके रखी है मैंने। 2 टेबल स्पून गार्लिक है, 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर है, इसको चॉप करके रखी है। चिली मैंने लिए है ग्रीन चिली, इसको मैंने वो भी 2 टेबल स्पून इसको चॉप करके रखी है। हंस पे जायका नमक है और ब्लैक पेपर 1 टी स्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून है। पहले हमने चिकन को ज़रा मैरिनेट करके रखेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखो पहले हमने चिकन को मैरिनेट करनी है, तो इसके अंदर मैंने डालना है सारे सॉल्ट और पेपर जो मैंने लिया है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने सोया सॉस डालना है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह अच्छे से मिक्स हो गया। तो इसके अंदर हमने अभी डालना है एग डालना है, एग की जर्दी नहीं डालना, उसकी सफेदी डालना है। ये देखे ऐसे करके हमने इसकी सफेदी डाल देंगे, इसके जरिए हमने निकाल देना है ऐसे। ये देखे ऐसे ऐसे करके तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर हमने, मैं सॉरी भूल गई थी, 2 टेबलस्पून हमने डालना है मैदा भी साथ में, क्योंकि इसके अच्छे से कोटेड हो जाए चिकन की। ये देखिए इस तरह हो गया। तो हमने अभी ये जो लिया है मैंने मैदा, ये डालना है, ये कौन सा जो लिया था मैंने ये डालना है इसके अंदर, सारा मिक्स कर देना है अच्छे से। फिर इसका हमने फ्राई करना है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अभी। ये देखो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी है, ये देखे अच्छे से मिक्स हो गई है। तो हमने इसको भी फ्राई करना है। और इसके ग्रेवी के लिए भी हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, साइड पे रखेंगे। ये देखे अभी रेडी हो चुका है, तो अब इसका हमने फ्राई करनी है। मैंने ऑयल रखी हुई है ऑलरेडी गर्म करने के लिए, ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने ये भी डालना है 1 बाय 1, ये सारे फ्राई करना है। देखिए ऐसे करके, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल जो है ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये सारा हमने फ्राई करनी है अभी, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे ये ब्राउन हो रही है, देखे से गोल्डन ब्राउन इस तरह चाहिए। तो इसे और इसको 3-4 मिनट के और इसको खाएंगे, फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे इसको। ये देखिए हमारी ये हो चुका है, तो इसका मैं भी निकाल देने, ये बैच निकाल के फिर दूसरा डाल देना है इसके अंदर, वो भी सेम वे में हमने कुक करना है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने अपनी चिकन के साइज थोड़ा छोटा करना है ना तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने अब दोबारा दूसरा पैच डाल दिए है, तो इसको भी हमने सेम वे में कुक करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे चिकन सारे फ्राई हो चुकी है, ये आखिर बैच भी फ्राई हो गई है, तो इसको मैं अभी निकाल देनी है। ये देखिए मैंने बड़ा सा कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर हमने डालना है तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल। ये देखिए हमारी ये गर्म हो चुकी है, तो इसके अंदर मैंने अभी डालना है ये गार्लिक जिंजर जो मैंने इसका चॉप करके रखी थी, ये डालेंगे। चिली सॉस डाल देना है, धनिया मुझे सारे भूनना है।
इसको भुनेंगे अभी अच्छे से, थोड़ी सी हल्का ज़्यादा, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, तो इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है हमने। तेज आंच में इसको पकाना है। जब चाइनीज की जो भी आपने फूड बनानी है ना, तो उसके आपका चूल्हा बहुत तेज होना चाहिए। ये हो गया, तो हमने ये भी सारे जो ग्रीन पेपर लिया था, येलो पेपर, शिमला मिर्च ये डाल देना है। इसके साथ अच्छे से हम भुनेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनना है ताकि हमारा जो शिमला मिर्च है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब इसके अंदर हमने डालना है जो टोमेटो केचप लिया था, ये डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए हमने भूना था। अच्छे से मिक्स कर देना है इसके साथ। हमने चूल्हा मीडियम पे लेके जाना है ताकि हमारा जो और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च। इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 मिनट के लिए अच्छे से मैंने भून लिया स्लो आंच पे। तो हमने चूल्हा तेज कर देना है। 2 कप पानी में मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डाल दिए है, ये देखें। अब ये डाल देना है इसके अंदर। डाल के फटाफट इसको हिला देना है ताकि वो फिर जम जा जाए। इसका सेक लाते रहेंगे जब तक ये उबल जाएगा। तो अभी इसके अंदर हमने डालना है ये सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। चिली सॉस आपको जो भी चिली सॉस आपको पसंद है वो आप डाल दीजिए। मैं 1 टीस्पून डाल देना है चिली सॉस। मैंने डाल दिया था सोया सॉस 2 टेबल स्पून। तो अभी हमने चिली सॉस डाल देना है इसके अंदर। जो आपको आप चिली सॉस पसंद है उसके डाल दीजिए आप। तो ये मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल देना है इसके अंदर। उस नमक इसके लिए नहीं डालेंगे ना, क्योंकि इसकी सोया सॉस में ना नमक होती है, तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा नमकीन। तो अभी हमने ये जो ग्रीन अनियन लिया था ये डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे, फिर बाद में इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। तो अभी उबाल आ चुका है, तो इसके अंदर मैंने भी चिकन डाल देना है। चिकन को अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। इस तरह देखें, हमने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी कुक हो चुकी है। तो इसको हमने चूल्हा भी बंद कर देना है, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी सर्व करेंगे हम। ये देखिए इस तरह हो गई है। ज्यादा शिमला मिर्च और ये सब बिल्कुल इतनी ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ना ज्यादा सख्त है, बिल्कुल दरमियाना है। तो अभी हम सर्व करेंगे इसको। ये देखिए हमारे चिकन मंचूरियन रेडी हो चुका है। इस तरह हो किसकी शक्ल है। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर ट्राई करें, अपने घर में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। थम्स अप भी दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।